हेलो दोस्तों, हम लोग का जो सीरीज चल रहा है मिशन यूपीएससी 2021, ठीक है। उसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबका सीरीज अपलोड हो रहा है, जिसमें कि लगभग 95-96 का सब क्वेश्चन पीटी का अपलोड कर दिए हैं। अब जो है उसी सीरीज में आज इकोनॉमी का इसमें 2 साल का क्वेश्चन है, 97, 96 प्लस 97। आज जो है कि 2 साल का क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, तो इसको देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। जी हाँ, क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन है प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। अगला ऑप्शन है प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान। अगला ऑप्शन है प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें मैक्सिमम टर्म आपको इंग्लिश पे फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि देश में आय का जो होता है कि पुनर्वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसका सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है। यहाँ पे कुछ फैक्टर सब लिखा हुआ है, अब जानते हैं ये फैक्टर होता क्या है एक्चुअली। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है प्रगामी व्यय, तो हम लोग को प्रगामी व्यय जानना होगा क्या होता है, ठीक है। ये प्रगामी व्यय क्या होता है, प्रतिगामी व्यय क्या होता है, प्रतिगामी व्यय क्या होता है, उसके बाद जो है कि यहाँ पे प्रगामी व्यय क्या होता है वो जानते हैं, उसके बाद मालूम चल जाएगा। देखिए होता क्या है कि प्रगामी व्यय को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव, हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि हम लोग को हिंदी में चल रहा है। देखिए प्रगामी को ही इसमें होता क्या है ये जान लीजिए। कोई भी व्यक्ति है ए, मान लेते हैं एक व्यक्ति है ए, ठीक है, और कोई व्यक्ति है वो है बी। अब देखिए ए का जो है कि इनकम, यहाँ ध्यान समझिएगा, ए का इनकम जो होता है वह बढ़ रहा है, आय बढ़ रहा है, और आय के बढ़ने के साथ उसका जो टैक्स होता है वह भी बढ़ना। देखिए हम क्या बोले, कोई व्यक्ति ए है और उसका जो है कि इनकम भी बढ़ रहा है और टैक्स भी बढ़ रहा है, ठीक है, इनकम भी बढ़ रहा है और टैक्स भी बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव, मतलब प्रगामी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कंडीशन क्या बोलते हैं, प्रगामी कंडीशन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का आय बढ़ने के साथ कर का भी बढ़ना, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि मान के चलिए ये व्यक्ति बी है, इसका क्या हो रहा है कि इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है और टैक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। समझिए यहाँ पे क्या बोले, व्यक्ति बी है, इसका इनकम बढ़ रहा है और टैक्स क्या हो रहा है, कम रहा है। अभी कब होगा बताइए तुम, स्वाभाविक है जब मनी का फ्लो जो है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जो अमीर व्यक्ति है उसका फ्लो कहाँ पे होना चाहिए, गरीब की तरह होगा, तभी तो गरीब व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा, लेकिन उसका टैक्स क्या होना चाहिए, वह कम होगा। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे जो है इंडिया में
मैक्सिमम जो रिसोर्स का जो कैप्चर होता है वह बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास होता है, 80% जो होता है इनकम का उसी का कैप्चर होता है, रिमेनिंग 20% जो होता है वो गरीब पीपल सब में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिसके कारण से उसका इनकम बढ़ता है और क्या होता है टैक्स भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिगामी, प्रतिगामी में क्या होना चाहिए, चलो उसका इनकम बढ़ा दो लेकिन उसका टैक्स को क्या करना है, कम कर देंगे। ये कब करने हो सकता है, जब अमीर व्यक्ति जो है कि वह मनी का फ्लो करे कहाँ पे, टुवर्ड्स द पुअर पीपल्स, ठीक है। तो इसको लोग बोलते हैं प्रगामी कर, ठीक है, प्रगामी कर। तो क्लियर हो गया। अब बताइए उसके बाद एक और कंडीशन है वो ध्यान रखना होगा, कहाँ पे लिखे हैं, चलिए इसी जगह लिखते हैं, इसी को समझिए। क्या ए में क्या था, टैक्स बढ़ रहा है और इनकम बढ़ रहा है। बी में क्या है, बी में है आपका कि इनकम बढ़ रहा है और टैक्स कम रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करे, जैसे कि ए का इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स भी बढ़ रहा है, स्वाभाविक है इसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो इसका जो होता है इस पर भी अफेक्ट होता है, एक्सपेंडिचर इस पर भी इंक्रीज होता है, तो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो इसका फ्लो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, मनी का जो अमीर पीपल है उससे गरीब व्यक्ति का, ऐसा ही हम लोग चाहेंगे। हम लोग का ये तो डिमांड होता है इनकम बढ़े और टैक्स कम हो, और उसके लिए क्या करना होगा, जी हाँ, उसके लिए ये होना चाहिए कि जो रिच पीपल है वह मनी का फ्लो कम कर देते, जी हाँ। इसका आंसर होगा प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी व्यय, ठीक है। संयुक्त मतलब देखिए यहाँ पे हायर टैक्स था, यहाँ पे इसमें क्या है, हायर टैक्स, तो इसका फ्लो कहाँ होना चाहिए, प्रगामी पे होना चाहिए, मतलब कि इनकम तो बढ़े लेकिन उसका टैक्स क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, तो यही लोग चाहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन कहा गया और दूसरे को कारण कहा गया है, ठीक है। कथन ए, अब इसको कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है वो आपको देखना होगा। यदि वर्ष 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय का कई गुना बढ़ गया परंतु प्रति व्यक्ति आय के स्तर में कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ, ये तो एकदम स्टेटमेंट सही है, आपको पता ही है कि अभी जो जस्ट पहले का क्वेश्चन था, अभी जो सॉल्व किए हम लोग कि 80% जो है वो किसके पास है, अमीर व्यक्ति के पास है, रिच पीपल के पास है, तो रिमेनिंग 20% गरीब व्यक्ति के पास, तो क्या आय का समान वितरण तो के कारण लोप हो गया उसका, इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट है। भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है, सो ये तो 100% ये भी सही है, लेकिन इस दोनों में कोई लिंक नहीं है, है तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, स्टेटमेंट दोनों सही है, ध्यान दीजिएगा, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों में कोई लिंक नहीं है, देखते हैं क्या ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही है, एकदम सही है, तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, नहीं गलत है, ए और आर दोनों सही है, ठीक है, तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, एकदम सही है, हम लोग का आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक आर्थिक उदारीकरण नीति एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, भारतीय रुपए के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना, इसका समर्थन किया जा रहा है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि देखते हैं क्या ऑप्शन है। रुपए की परिवर्तन संसार की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में
रुपए के विनिमय मूल्य को स्थिर रखना, यही तो सही है। चलिए देखते हैं क्या है हम लोग का। जब ये सही मिल गया तो आगे जाने की जरूरी ही नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, आर्थिक उदारीकरण, ठीक है, आर्थिक उदारीकरण एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। भारतीय रुपए के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना। अब देखिए कि होता क्या है कि विनिमय दर को स्थिर करने के लिए ये क्या करना होता है, परिवर्तनीयता लाना होता है, ठीक है। अब इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, इससे बहुत कुछ फ़ायदा भी होता है, ठीक है, कि इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से क्या कर सकता है, कोई इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद बिक्री कर सकता है। इसमें डेवलपमेंट विकास की संभावना उगेगा, ठीक है, तभी तो कोई बाहर से आपका यहाँ पे फॉरेनर जो इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। और जब विकास, जब रुपए का जो एक पूर्ण परिवर्तन होने पर विकास का दर क्या होगा, वह बढ़ेगा, जिसके कारण भारत में और ज़्यादा निवेश की संभावना बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में अपनाए गए नई आर्थिक नीति के दो घटकों, स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। स्थिरीकरण एक क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि संरचनात्मक समायोजन त्वरित अनुकूल, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए एक्चुअली उदारीकरण जो था, ठीक है, आर्थिक नीति में क्या हो गया, बीओपी को बैलेंस करना था, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना था। तो इसमें क्या होता है ना कि कुछ आप क्विक रिस्पॉन्स लीजिए और कुछ ऐसा रिस्पॉन्स लीजिए जो कि ग्रेजुअली उसका इफेक्ट कुछ दिनों के बाद होता है, ग्रेजुअली इफेक्ट होता है, ठीक है, कुछ क्विक होता है और कुछ ग्रेजुअली होता है, और ये दोनों क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करता है। यही होता है नई आर्थिक नीति का ये है एम है। तो अब इसमें देखिए जो क्विक होता है, जो क्विकदम कम समय में हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टेबलाइजेशन, मतलब स्थिरीकरण। इसमें क्या हो जाएगा, स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन। और इसमें क्या हो जाएगा, जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई भी मान लिया आप रूल लॉ बनाइएगा तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, संरचनात्मक समायोजन, ठीक है, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो इसका जो सही आंसर देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूल प्रक्रम है। अभी जस्ट हम डिस्कस किए हैं कि बीओपी को बैलेंस करने के दो मेथड है आपके पास, एक या तो क्विक रिस्पॉन्स कीजिए, बीओपी, और इसको दो ही मेथड होता है, या तो क्विक कीजिए फास्ट, या दूसरा आता है स्लो कीजिए, हो गया। अब क्विक करने के लिए क्या करना होगा, स्थिरीकरण, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ त्वरित के लिए स्थिरीकरण, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, दो वक्तव्य दिया गया है, इसमें भी कथन और कारक है, यहाँ पे भी एक को कथन एक को कारण कहा गया है। आर्थिक उदारीकरण की एक महत्वपूर्ण नीति साधन है पूंजीगत माल पर आयात शुल्क में कमी। देखिए जब आयात में अगर शुल्क का कमी होगा तभी तो मैक्सिमम फॉरेनर जो है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा, यही था उदारीकरण का महत्व साधन, तो यही था ना, उदारीकरण क्यों लाया गया था, ताकि फॉरेनर सब जो होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा भारत में जो है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करे, मतलब वहाँ पे शुल्क कम रहेगा, आयात कम रहेगा तो स्वाभाविक है विदेशी सब ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, ये सही है। आयात शुल्क में
कमी से स्थानीय उद्यमियों को विश्व बाजार का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी का सुधार करने में सहायता मिले। एकदम ये भी सही है। कैसे देखते हैं, होता है क्या है कि मान के चलिए कोई भी सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब आयात शुल्क जो होता है कि वह आयात शुल्क कम हो गया। जब आयात शुल्क कम हो गया तो फॉरनर विदेशी सब क्या होगा, कोई भी सामान का इम्पोर्ट यहाँ भारत में एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा। अब ज़्यादा करेगा तो जो कॉस्ट बाहर में होगा, मान चलिए बाहर कॉस्ट है किसी का भी 50,000 और यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम है, आयात शुल्क का ड्यूटी कम है, तो कितना हो जाएगा 2,000 जोड़ दीजिए और 52,000 हो जाएगा। और जब 52,000 हो जाएगा तो एक और कंडीशन ले लेते, तब समझ में आएगा, कंपेरिजन करके पढ़ेंगे हो जाएगा। अब दूसरा मान लेते हैं कि यहाँ पे है बाहर में उसका कॉस्ट है 50,000 लेकिन यहाँ पे इम्पोर्ट होने के बाद उसका हो गया 55,000। तो अब आप बताइए कि यहाँ का जो लोकल जो उद्यमी होगा वह किस पे प्रेफर करेगा, इस पे, ताकि यह जो है कि इसका यूटिलाइज़ करके और खुद से अपना रिफॉर्म या कुछ अपना इनोवेशन कर सकता है, तो क्या इस पे करेगा, कभी नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इम्पोर्ट शुल्क मतलब आयात शुल्क कम होने से दोनों बेनिफिट हुआ कि इन्वेस्टर बढ़ेगा, उसके बाद आयात शुल्क में कमी से भारतीय उद्यमों को विश्व बाजार करने के लिए उद्यमियों का सुधार करने का सहायता मिलेगा। दोनों सही है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में, ठीक है, क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनिए। तब कह रहा है कि एक सेकेंड, हाँ, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण, ठीक है, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण जो भारत के अंतर्सार्वजनिक द्विपक्षीय करारों के अनुसार विकास कार्यक्रमों के लिए राशि उपलब्ध कराते हैं मुख्यतः देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन सब है वो भारत को जो व्यापार राशि जो उपलब्ध करवाता है वो क्यों करवाता है, तकनीकी सहायता के लिए, एकदम सही है। सुगम ऋण जो ब्याज सहित वापस चुकाने होंगे, ये भी सही है। अनुदान जो वापस नहीं चुकाने होंगे, ये भी आपका सही है। अनुदान जो होता है ना कि वह चुकाया नहीं जाता है। गरीबी निवारण के लिए खाद सहायता, ये तो आपका लोकल गवर्नमेंट जो होता है वह करेगा, वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1, 2, 3 तीनों सही हो गया। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 आ गया, बी में ऑप्शन है यहाँ पे 1, 2, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में ग्रामीणीय आय नगरीय आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार है। बहुत कारण हो सकता है लेकिन देखते हैं क्या क्या कारण है। किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर है और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान नग्न, ये तो गलत है। उसको पता है कि हाई क्वालिटी का सीड मिलता है, ठीक है, उसको पता है कि टाइम टेबल पे किस तरह से एग्रीकल्चर में कैसा इरिगेशन करना चाहिए, ये सारा पता है उसको, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। विनिर्मित उत्पादन की तुलना में प्राथमिक उत्पाद का मूल्य कम होता है, ये सही कारण है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक सिंपल हम लोग आलू पोटैटो खरीदते हैं तो 25 रुपया में 1 kg देता है, ठीक है, 25 रुपया में 1 kg देगा, और यही जो 1 kg वो क्या करेगा, चिप्स बना लेगा, ठीक है। और चिप्स बनाने के बाद पता है ना कि 1 kg एक इसका दाम कितना हो जाएगा, मतलब ये विनिर्माण का जो वस्तु होता है उसका बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है। आलू देखिए 25 रुपये में 1 kg मिला, लेकिन यहाँ पे 10 ग्राम आलू में एक पैकेट बनता है जो कि 15-20 रुपये मिलता है, आप सोच सकते हैं इसका कितना दाम होगा। तो वही कह रहा है उद्योग में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है, ये भी सही है। भारत जो होता है देखिए शुरू से ही
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कम, इंडस्ट्रियलाइजर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपका दो भी सही है और तीन भी सही है, इसका मतलब दो तीन आंसर वाला जो भी होगा यहाँ डी नंबर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोयले की स्थानीय पूर्ति उपलब्ध नहीं करता, ये भद्रावती में होगा, फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन वो। चलिए क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना के पीछे निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य था? WTO जो बना है उसका मेन मोटो क्या था? हम पहले ही बोल देते, पहले ही वीडियो में WTO, IMF ये सब जो होता है ना क्वेश्चन, इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक बार इसका वीडियो हम जल्दी ही इसका अच्छा डिटेल के साथ अपलोड करेंगे। चलिए देखिए इसमें होता है क्या है, क्या क्या उसका, विविध देशों के बीच मुक्त व्यापार और संसाधन प्रवाह का संवर्धन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि WTO का वर्क क्या था, यही था कि जो जितना भी कंट्री है उसके बीच में विश्व व्यापार का, जी हाँ ये सही है। दूसरा है विभिन्न देशों के बीच व्यापार की व्यापार की व्यवस्था करना, संतुलित नहीं करना, गलत है ये, संतुलित नहीं करता है, यह संतुलित नहीं करता है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा और ये होगा। देखिए मुक्त व्यापार सही हो गया, सही है, बौद्धिक ये भी आपका सही है, ट्रिप इसको बोलते हैं ट्रिप, तो ये सही है, और विभिन्न देशों के बीच संतुलित व्यापार की व्यवस्था करता है, ये नहीं सही है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही होगा, एक दो तीन चार, दो तीन सही होगा, एक सही होगा और दो सही होगा, ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों नहीं है। देखिए होता है क्या है ना, समझिए इसको, व्यापार संतुलन का काम इसका कैसे होगा, मान चलिए यहाँ पे है इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ये 100 रुपया अर्निंग करता है, 100 रुपया में क्या होता है ना कि 90 रुपया बाहर से अर्निंग करता है और 10 रुपया यहाँ से सामान को भेजने के बाद करता है, और ये जस्ट उल्टा कर लीजिए, तो यहाँ पर दोनों के बीच में बराबर थोड़ा ना आईएमएफ करता है, WTO करता नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 और 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हवाला संव्यवहार उन भुगतानों से होता है, देखिए अभी हवाला कुछ दिन पहले न्यूज में भी था। ठीक है, हवाला होता है क्या है, ये इलीगल वर्क हुआ, देखिए हवाला होता है क्या है, जैसे कि इंडियन है, ये इंडिया है और ये अमेरिका है, अब इंडिया का पैसा अमेरिका में और अमेरिका का पैसा इंडिया में। ठीक है, इंडिया का पैसा अमेरिका में और अमेरिका का पैसा इंडिया में, सरकार से छुपाकर जो ट्रांजैक्शन होता है इसमें गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है, इसका मतलब इलीगल हो गया, इसमें टैक्स उसने पे करता है, उसी को बोलते हैं हवाला संव्यवहार। ठीक है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से, हवाला क्या हो गया कि मनी का ट्रांजैक्शन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और वह जो होता है ट्रांजैक्शन होता है वह गवर्नमेंट के नज़रों में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए इलीगल हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ फर्स्ट में ही ऑप्शन है, सरकारी माध्यम से गुजरे बिना विदेशी मुद्रा में बदलने और रुपए के बदले विदेशी मुद्रा में किए गए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नाफ्टा और आसियान जैसे अद्भुत हो रहे संसार के व्यापार समूहों से आशा की जाती है कि वे, ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो होता है, पहले समझते हैं कि संसार भर में मुक्त व्यापार संकुचन का कार्य करे, कभी नहीं करेगा। विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित रीति से मुक्त संवर्धन करिए, सही है। देखिए होता है क्या है ना कि नाफ्टा NAFTA, एक नाफ्टा हुआ और एक आसियान हुआ, यहाँ आप लिख देते हैं लिख ए आसियान, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। हाँ, अब क्या है, आसियान, आसियान हुआ और एक है नाफ्टा। तो देखिए नाफ्टा क्या होता है ना कि यह इसका पहले फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के बीच में फ्री ट्रेड्स का ये ऑर्गेनाइज करवाता है नाफ्टा, ठीक है, जिसका कि स्थापना किया गया था 1994 में। क्लियर है नाफ्टा। अब देखिए आसियान का फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, जिसका कि स्थापना किया गया था 1967 में। और इसका जो मेन, इसमें देखिए इसमें 10 कंट्री मेंबर है और इसमें 3 कंट्री मेंबर है। तो आसियान का जो मेन मोटो था वह आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा को बढ़ावा देना अपने इस 10 कंट्री के सदस्य में, ठीक है। तब देखिए ये अपना अपना सेपरेट ग्रुप है, सेपरेट ग्रुप है, इसका मतलब क्या होगा, ये चाहेगा खुद के लिए अपना अपना अलग पॉलिसी बनाना, तो इसीलिए WTO से हट के ये काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित रीति से मुक्त व्यापार संवर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करेंट का है। हालांकि ये भी क्वेश्चन करेंट का ही है। अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। देखिए एक आंकड़ा हम लेते हैं, तो सबसे पहले आता लेते हैं 1991 का, तो 1991 में कितना था पर 1000 मेल, यहाँ पे ले लेते हैं 1000 मेल, 1000 मेल में क्या था, 927 था, कब, 1991 में। और दूसरा यह है कि उसके बाद फिर 2011 में आइए, 2001 में आइए, 2001 में हो गया आपका 1933 हो गया। और फिर 2011 लास्ट जनगणना जो हुआ था उसमें आइए, तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि कितना था, 940, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है क्या आ रहा है, बढ़ ही रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं नहीं, डिफरेंस बढ़ कहाँ, डिफरेंस तो कम हो रहा है ना, पहले था 27 अब हो गया 40, इसका मतलब दोनों में क्लोजली रिलेशन आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, और जैसे कि समितियाँ हैं और उस समिति का अध्यक्षता किसने किया था। देखिए अगर सिंपल कंपटीशन का तैयारी सब करते होंगे तो ये आपको मालूम होगा, कर जो था राजा चलैया, बीमा सुधार आर्यन मल्होत्रा, ठीक है, ये दोनों तो पहले सब बुक्स में भी दिया होता है, लुसेंट सब में भी दिया होता है। ये जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रंगराजन समिति, औद्योगिक के लिए ओंकार गोस्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
भारत सरकार ने किस वर्ष बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर, इसको बोलते हैं MAT, मैट का समावेश किया था? 91, 92, 93, 95, 96, 96, 97, 97। देखिए हम लोग का ये क्वेश्चन, ये करेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। मैट के बारे में थोड़ा जान जाते हैं क्या होता है। मैट जो होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता है। इसमें होता है क्या था, ये मैट टैक्स जो होता है कंपनी सबको देना पड़ता था कंपनी को। अब देखिए कंपनी क्या करता था कि आपको पता है कि अभी भी गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार का पॉलिसी सब निकालता है, कहता है कि LIC में जमा करो, ये करो तो वो करो, उसमें छूट में टैक्स में क्या होगा, छूट मिलेगा। तो उस समय ये कंपनी सब क्या करता था कि इसका इनकम तो बहुत ज़्यादा होता था लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट दिखा देता था कि वो टैक्स जमा नहीं करता था। इसीलिए सरकार क्या बोल दिया, चलो अब वो सब ख़त्म हो गया। मिनिमम जो मिनिमम होगा 7% जो अकाउंट में शो किया गया पैसा उसका तुमको जमा करना ही होगा, ठीक है। खातों में दिखाए गए लाभ का 7% कंपनी को, गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। यह इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान दीजिएगा। मैट क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है, देखिए जल्दी हम क्लास ले रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब है। नेशनल इनकम है, GDP है, GNP है, NNP है, ठीक है, तो NDP है, NNP है, तो ये सब के लिए हम क्लास लेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। जल्दी हम क्लास लेने वाले इकोनॉमिक्स का, तो इसका आंसर होगा क्या होगा, जी हाँ ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो करेंट अफेयर क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको। ये देखिए क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है एक बार। क्वेश्चन कहता है भारत में मुद्रा स्फीति मापी जाती है, तो मुद्रा स्फीति क्या होता है, ठीक है, मुद्रा स्फीति क्या होता है जिससे मुद्रा का वैल्यू मूल्य गिर जाता है। मूल्य गिरेगा तो स्वाभाविक है बाजार में क्या होगा, महंगाई आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मुद्रा स्फीति। और ये मुद्रा स्फीति को मेजरमेंट करने के लिए क्या चीज़ है, WPI और CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दो मेथड से जो होता है कि मुद्रा स्फीति को मेजरमेंट कर सकते थे। 2014 से पहले WPI के माध्यम से मेजरमेंट करते थे लेकिन करंट ईयर में जो है कि हम लोग CPI से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। CPI का जो बेस ईयर होता है 2011 और WPI का था 2005 बेस ईयर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत साक्षरता दर जन के समय जीवन प्रत्याशा था $ में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ये नहीं है, ये सही है आपका, ठीक है। मानव $ में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय इंक्लूड होता है, ये फैक्ट क्वेश्चन याद करना होगा। छठी आठवीं पंचवर्षीय योजना क्रम से दिया गया है, सातवीं क्या होगा, इसके आगे का होगा क्योंकि 2 साल जो है उसमें रेस्ट आ गया था 90 से लेकर 92 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है, देखिए ये क्वेश्चन 95 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो गैर योजना कार्य उसमें भी हम बता दिए थे जो सरकार के 5-ईयर प्लान में इंक्लूड नहीं होता है, ये करेंटली सिचुएशन के बेसिस पे इसको डील किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट क्वेश्चन है, इसको करंट का है।
निम्नलिखित नीचे दिए गए योजना किस कार्यक्रम का हिस्सा है? शहरी व्यष्टि उद्यम, शहरी मजदूरों के बदले रोजगार तथा आवास तथा आश्रम का, ये था इसका क्या, नेहरू रजमाल रोजगार योजना का था। मतलब कह रहा है कि ये सब जो है किस योजना का, योजना में ऐसा प्रावधान किया गया था, ठीक है। ये सब जो योजना किस शहरी मजदूरी के बदले रोजगार आवास एवं आश्रय का उन्नयन, तो किस कार्यक्रम में, तीन कार्यक्रम दिया गया है तो किस में इंक्लूड था, जवाहर रोजगार योजना में, ये भी करेंट क्वेश्चन है। वैसे इसको ध्यान रख सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। अब निम्नलिखित में कौन से स्थान कागज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यमुनानगर, गुवाहाटी, शाहबाद, बल्लालपुर, ठीक है। तो कौन सा होगा? जी हाँ, इसमें जो है कि यमुनानगर है, और उसके बाद गुवाहाटी है, और उसके बाद जो है कि बल्लालपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है, सूची वन को सूची टू से मैच कीजिए। अब इसमें देखिए क्या है, कांच उद्योग कहाँ है? फिरोजाबाद में है कांच उद्योग, फिरोजाबाद, पीतल उद्योग मुरादाबाद, और उसके बाद जो है कि ये स्लेट उद्योग मरकपुर, लास्ट जो बची है हम लोग का हस्तांतरित उद्योग, हस्तनिर्मित उद्योग मिर्जापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से केस किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? सुलभ मुद्रा, आपको पता है कि मुद्रा करेंसी को जो है कि चार भाग में डिवाइड किया गया, M1, M2, M3, M4। ये M जो हो गया ये नैरो मुद्रा हो गया, और ये हो गया M3 जो हो गया सुलभ मुद्रा हो गया, सुलभ मुद्रा हो गया, ठीक है। अब ये सुलभ मुद्रा में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, वही क्वेश्चन है। तो इसमें जो है कि इंक्लूड किया जाता है जनता के पास पैसा, बैंकों में जमा राशि, बैंकों में सावधिक राशि, भारतीय जो बैंकों में अन्य जमा राशि, ये सही है सब, 1, 2, 3, 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन इतना ही। तो दोस्तों ये आपका जो है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था 96-97 का, तो ये अब इसको आप लोग रिवाइज कीजिए तभी इसका बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ के, ठीक है। तो इसको शेयर कीजिए, और जो है कि इसका PDF लेने के लिए इस नंबर पे WhatsApp कर दीजिए, 9473123824। देखिए अभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का चल रहा है, और बहुत जल्द जो है कि हम इस पर क्लास भी लेंगे, ठीक है। आपको जो टॉपिक सब जितना भी है सारा क्लास इसमें हम आपको अपलोड करवा देंगे, तो ठीक है, धन्यवाद।